अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है द जेनेटिक कोड। इस लेक्चर को गौर से सुनिएगा क्योंकि एट द एंड मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा और उसका आंसर आपको मुझे देना होगा इन द कमेंट सेक्शन। जेनेटिक कोड से को स्टडी करने से पहले थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ कि हम कहाँ पर थे। हमने स्टडी किया था कि साइंटिस्ट ने हिस्ट्री में कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए जिसकी बेसिस पे साइंटिस्ट को पता चला कि डीएनए जो है वो क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। डीएनए इज़ द जेनेटिक मटेरियल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जेनेटिक मटेरियल का मतलब क्या है कि डीएनए में इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, और प्रोटीन सिंथेसिस से ही सारी वाइटल एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ कंट्रोल होती हैं, ठीक है। ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर्स कंट्रोल होते हैं फ्रॉम सेल टू सेल, फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। ये जब हम ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ेंगे वहाँ पर डिटेल से देखेंगे भी। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई कि ओनली 4 टाइप के न्यूक्लियोटाइड बेसिस होती हैं डीएनए में, जबकि प्रोटीन सिंथेसिस में 20 टाइप के अमीनो एसिड इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। सो ऐसा क्या कम्बिनेशन है डीएनए में, किस तरीके से डीएनए में इंफॉर्मेशन स्टोर है जो 20 अमीनो एसिड को स्पेसिफाई करती है, को कोड करती है। सो साइंटिस्ट ने बिलीव किया कि अगर एक न्यूक्लियोटाइड की बेस जो है वो एक अमीनो एसिड को कोड करे तो टोटल 4 टाइप की बेसेस होती हैं डीएनए में, एडेनिन, गवानिन, साइटोसिन, थायमिन। तो टोटल 4 टाइप के अमीनो एसिड स्पेसिफाई हो पाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि अमीनो एसिड 20 टाइप के अमीनो एसिड से प्रोटीन बनती है। दूसरा केस ये था कि अगर दो न्यूक्लियोटाइड की बेसिस एक अमीनो एसिड को कोड करें तो टोटल 16 कम्बिनेशन बनेंगे। 4 का स्क्वायर, 4 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, 4 × 4, 16 अमीनो एसिड कोड हो पाएंगे, जो कि स्टिल पॉसिबल नहीं है क्योंकि अमीनो एसिड 20 टाइप के होते हैं जिनसे प्रोटीन बनती है। यहाँ पर देखें AT, AG, AC, AA, इस तरीके से 16 कम्बिनेशंस बन सकते हैं, लेकिन स्टिल 20 अमीनो एसिड के लिए ये कम्बिनेशन काफ़ी नहीं है। तीसरा केस ये है, इफ़ 3 बेसिस स्पेसिफाई एन अमीनो एसिड देयर कैन बी 64 पॉसिबल कम्बिनेशन फॉर्म्स विच आर मोर देन इनफ फॉर 20 अमीनो एसिड। अगर 3 न्यूक्लियोटाइड की बेसिस एक अमीनो एसिड को कोड करें तो 64 कम्बिनेशंस बनते हैं। 4 का क्यूब लें तो 4 × 4 × 4, 64 कम्बिनेशंस बनते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे 64 कम्बिनेशन इस तरीके से, यानी ट्रिपलेट का एग जो है किसी एग अमीनो एसिड को कोड करे तो तकरीबन 64 टाइप के कम्बिनेशन हैं जो 20 अमीनो एसिड को कोड करने के लिए काफ़ी हैं, है ना। सो इन 64 कोड्स में से 61 जो हैं वो सेंस कोड्स हैं, यानी उनमें इंफॉर्मेशन होती है फॉर स्पेसिफिक अमीनो एसिड। 3 जो कोड्स हैं वो नॉन सेंस कोड्स होते हैं, यानी उनमें इंफॉर्मेशन नहीं होती, यानी वो स्टॉप कोडॉन्स होते हैं, वो प्रोटीन सिंथेसिस को रोकते हैं, जैसे कि UAA, UAG, UGA। और इनमें ही 61 में जो है एग जो होता है वो स्टार्ट कोडॉन होता है जहाँ से प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होती है, AUG। अब चलते हैं डेफिनेशन की तरफ कि जेनेटिक कोड की डेफिनेशन है क्या। ये तो थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड हमने देखा और साइंटिस्ट ने बिलीव किया कि ट्रिपलेट कोड सिस्टम जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है, और ये ट्रू है। सो जेनेटिक कोड है क्या, द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजिनस बेसिस इन द डीएनए मॉलिक्यूल विच इनक्लोज इन्फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इज कॉल्ड जेनेटिक कोड। यानी जेनेटिक कोड क्या है, न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है जिससे प्रोटीन की सिंथेसिस बनती है, उसे जेनेटिक कोड कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि ट्रिपलेट कोड सिस्टम, तो ट्रिपलेट कोड सिस्टम के मुताबिक क्या डेफिनेशन होगी, ट्रिपल नाइट्रोजिनस बेस सीक्वेंस प्रेजेंट ऑन द डीएनए इज कॉल्ड जेनेटिक कोड और कोड, ठीक है। इसे हम ज़रा डिटेल से देखेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। अब प्रोटीन सिंथेसिस होती है जेनेटिक कोड से, तो कैसे होती है, सपोज दिस इज डीएनए और ये न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है TAC, ACC, GCC, GGT, ATC, ये क्या है, ये जेनेटिक कोड है। डीएनए पर जो न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है उसे क्या बोलते हैं, जेनेटिक कोड बोलते हैं। सो दिस इज द कोड, इसे हम कोड कह सकते हैं। कोड से मुराद क्या है, जेनेटिक कोड। अब आपको पता है डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है ट्रांसक्रिप्शन के ज़रिए,
अब मैसेंजर आरएनए में क्या है, इसकी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस बनती हैं, टी की जगह यू आ जाता है क्योंकि आरएनए में यूरेसिल होता है इंस्टेड ऑफ थायमीन। सो ये एयूजी यूजीजी इसकी ट्रांसक्रिप्शन हो चुकी है, ठीक है। तो ये क्या हैं बेसिकली, ये हैं कोडॉन्स, ठीक है। ट्रिपल नाइट्रोजिनस बेस सीक्वेंस प्रेजेंट ऑन मैसेंजर आरएनए, इन्हें कोडॉन कहा जाता है। और यही बेसिक 64 कॉम्बिनेशन है जो आपने पहले चार्ट देखा, इन्हें कोडॉन ही कहा जाता है, ठीक है। कोडॉन और कोड में डिफरेंस क्या है, कोड जो होता है वो ट्रिपलेट नाइट्रोजिनस बेस सीक्वेंस डीएनए पर होती है, और कोडॉन जो होता है वो ट्रिपलेट नाइट्रोजिनस बेस सीक्वेंस मैसेंजर आरएनए पर होती है। अब मैसेंजर आरएनए पर होने का फ़ायदा क्या है, कि ये जो मैसेंजर आरएनए वाली सीक्वेंस है ये किसी अमीनो एसिड को स्पेसिफाई कर रही होती है, ठीक है। जैसे कि टीएसी डिफरेंट सीक्वेंस है, एयूजी डिफरेंट है, ठीक है। तो एयूजी जो है वो क्या कर रही होती है, किसी अमीनो एसिड को स्पेसिफाई कर रही होती है, किसी अमीनो एसिड को कोड कर रही होती है। सो मैसेंजर आरएनए बन गया जेनेटिक कोड से, तो ये मैसेंजर आरएनए का जो जो ट्रिपलेट है, ये ट्रिपलेट की फॉर्म में हमने बात की थी, ये तीन तीन के जो फॉर्म है इसे कोडॉन कहा जाता है, ठीक है। कोड जो है ये लार्ज सीक्वेंस भी हो सकती है, ये सिंगल सीक्वेंस को भी आप कोड, ये सिंगल ट्रिपलेट सीक्वेंस को भी आप कोड कह सकते हैं, फुल सीक्वेंस को भी कोड कह सकते हैं जिसमें इंफॉर्मेशन है। जबकि जो कोडॉन है, सॉरी यहाँ पर मैंने कोड लिख दिया, जो कि कोडॉन है ये हमेशा ट्रिपलेट की फॉर्म में ही होगा क्योंकि ये किसी एक अमीनो एसिड को कोड कर रहा होता है। सो मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन कैसे बनती है, एयूजी ये स्टार्ट कोडॉन है, ये मेथियोनिन को कोड करता है, ठीक है, मेथियोनिन अमीनो एसिड को अटैच करवाता है। यूजीजी जो है ये स्पेसिफिक अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन को कोड करता है, सीजीजी आर्जिनिन को कोड करता है, सीसीए प्रोलिन को कोड करता है, और यूजी यूएजी जो है वो क्या है, स्टॉप कोडान है। यहाँ पर मैंने बात की यूएजी स्टॉप कोडान है, जहाँ पर ये आएगा वहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉप हो जाएगी। सो होपफुली आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब हम थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ की तरफ चलते हैं जेनेटिक कोड की। जेनेटिक कोड क्या होता है, कोड इज डीजेनरेट। डीजेनरेट का मतलब क्या है, मोर देन वन कोडॉन फॉर अमीनो एसिड, यानी एक अमीनो एसिड के लिए एक से ज़्यादा कोडॉन भी हो सकते हैं, क्योंकि टोटल 64 कॉम्बिनेशन है, अमीनो एसिड 20 हैं। सो बाज़ अमीनो एसिड को तीन या चार टाइप के कोड भी कोड कर रहे होंगे। सपोज सी ए यू यू ए ए, ये दोनों हिस्टिडीन अमीनो एसिड को कोड करते हैं। सो इसका मतलब है कोड इज़ डीजेनरेट, यानी मोर देन वन कोडॉन कैन कोड फॉर एन अमीनो एसिड। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, कोड इज़ नॉन ओवरलैपिंग। कोड क्या होता है, नॉन ओवरलैपिंग होता है। नॉन ओवरलैपिंग का मतलब क्या हैव एंड टू एंड सीक्वेंस। यहाँ पर आइए, टी ए सी ए सी सी, नॉन ओवरलैपिंग का मतलब क्या है, कि ये जहाँ से स्टार्ट होगा फिर ये ओवरलैप नहीं होगा, ये फिर ट्रिपलेट की फॉर्म में चलता जाएगा, ठीक है। जैसे टी ए सी है तो ये ए सी ए नहीं होगा, ए सी सी होगा, ठीक है। टी ए सी ए सी ए सी ए सी इस तरीके से नहीं होगा, ट्रिपलेट की फॉर्म में रन होता जाएगा, ये रिपीट नहीं होगा, नॉन ओवरलैपिंग होता है। थर्ड जो प्रॉपर्टी है जेनेटिक कोड की वो क्या है, कोड इज़ यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब क्या है, कोड इज़ सेम फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए कोड सेम होगा। फॉर एग्जांपल एयूजी जो है ये हमेशा मेथियोनिन को कोड करेगा, चाहे वो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो। सो ये हो गया हमारा आज का लेक्चर। एट द एंड मैंने कहा था आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये तो आगे जेनेटिक कोड की डेफिनेशन के सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स विच कोड फॉर प्रोटीन, ठीक है। हम जीन पढ़ते हैं कि जीन क्या होता है, वो भी सीक्वेंस होती है न्यूक्लियोटाइड की, जिसमें इंफॉर्मेशन होती है फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। तो आपने मुझे डिफरेंस बताना है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जेनेटिक कोड एंड द जीन। दिस इज़ योर होमवर्क। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दें, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।